हेलो दोस्तों, अभी जो है बजट अनाउंस होने वाला है, तो बजट जब आएगा तो हमें कौन से स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए जिससे हम बजट के टाइम में एक बहुत अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने कैसे बजट को एडवांटेज मानते हुए बहुत अच्छा, जो मतलब कि आप जानते होंगे या नहीं जानते तो उनके बारे में यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उन्होंने उस टाइम बहुत अच्छा पैसा बनाया था। हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती है, तो चलिए उनकी बात को छोड़ देते हैं, उन्होंने पैसा बना लिया। लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना है, फोकस करते रहना है और अच्छा से अच्छा अचीवमेंट करना है दोस्तों मार्केट में, ठीक है। तो आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो बजट अनाउंस होने के आसपास आपको अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो पहला स्टॉक है दोस्तों आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ठीक है, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है दोस्तों। हमारी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी करना चाहती है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसमें आप देख नहीं पाएंगे दोस्तों, इतना अच्छा मैंने प्रॉफिट निकाल के दिया। दो ही स्टॉक मैंने बताया था, बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड, आप मतलब बहुत अच्छा रिटर्न निकला, उसके बारे में क्या बताओ, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, गुजरात गैस, अब और उसके बाद मैंने लिया है दोस्तों गेल फील्ड, देख सकते हैं, महानगर गैस, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये तीनों स्टॉक को क्यों फोकस किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मैंने क्यों फोकस किया, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें क्या है, अभी जो गैस है, अभी हमारा जो गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेक्टर के आसपास जो है फोकस करेगा, अपने सेक्टर के आसपास, ठीक है। तो वो जो है ऐसे चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा अभी गेल का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होना चाहिए कि गेल को मैंने 118 के भाव में ही बोला खरीदने के लिए, बाय करने के लिए। आज के डेट में देख सकते हैं यहाँ पर 132 रुपीज़ चलने वाला है, मतलब इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, ठीक है। 100 रुपीज़ का स्टॉक में अगर 10 या 20 पॉइंट चला जाता है, मतलब 10 या 20% मिल जाता है, तो बहुत अच्छा परसेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों गुजरात गैस लिमिटेड से, ठीक है। अगर आपने ऐसे एक स्टॉक को नहीं खरीदा है तो आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए दोस्तों, ये ऐसे स्टॉक शायद बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो हम उनको बाय नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग उनको जो है पहले से खरीद के रखे हुए रहते हैं, तो हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक को खरीद सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा, मतलब कि अच्छा से भी अच्छा रिटर्न मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों गुजरात गैस, यहाँ देख सकते हैं 1 साल के अंदर में आपको 100% का रिटर्न दिया, 1 महीने के अंदर में आपको 17% का रिटर्न दिया, बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको यहाँ एक ही चीज़ दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका ट्रेंड देख लो, कभी भी स्टॉक देखिए थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। अभी जो मैं आपको करेंट प्राइस पे बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, वो करेंट प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर 267 रुपीज़ है, ठीक है, 267 रुपीज़ पर मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ये ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि देखिए जब ऊपर गया था यहाँ पर, फिर डाउन में आया, फिर ऊपर गया था डाउन में आया, तो हो सकता है कि थोड़ा डाउन भी आ जाए, 267 है, हो सकता है वहाँ से 250 भी आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन ये हमारा काम क्या है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करना, ठीक है। ताकि देखिए स्टॉक मार्केट में तो अप डाउन लगी रहती है, लेकिन हमें सेल नहीं करना, हमें देखना है फाइनली जो ये स्टॉक का ट्रेंड जो है किधर जा रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा है, आप ये फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है, आपको खरीदना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों गेल, ठीक है, ये गेल के बारे में आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गेल को आपको खरीदना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है दोस्तों वो है गेल। गेल पे दोस्तों गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं इतना तो पता नहीं दोस्तों क्यों गवर्नमेंट को ज़्यादा ज़्यादा लगाव हो रहा है, वो भी गेल को। इसका दोस्तों ओवर बॉर्ड मतलब ज़्यादा ज़्यादा ओवर रेटिंग का टारगेट दे रहा है दोस्तों गेल पे, ठीक है। आप सोच नहीं पाइएगा, गेल का जो टारगेट दिया जा रहा है दोस्तों 150 से भी ज़्यादा दिया जा रहा है, 150 से भी ज़्यादा। मैंने इसको 118 के भाव पे बाय करने के लिए बोला था प्राइस इंक्रीज होगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, और वो तो हो गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है दोस्तों कि इसमें और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ हमें कोई भी तकलीफ नहीं दिख रही है, कोई भी तकलीफ नहीं है आपके सामने, देख लीजिए यहाँ तक कि स्टॉक कि कोई स्टॉक ऐसा होता है जो डिविडेंड अच्छा नहीं देता है, लेकिन ये स्टॉक तो डिविडेंड भी अच्छा देता है, यहाँ देख सकते हैं डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, अराउंड 3% के आसपास। हाँ डिविडेंड के मामले में ये देखिए क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑफर्ड गुड डिविडेंड रिटर्न, तो देखिए आपको अच्छा डिविडेंड रिटर्न भी दे रहा है, और फोरकास्टिंग करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दोस्तों 91% आपको जो है यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। हालांकि दोस्तों स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी आपको बाय करके चलना चाहिए।
और ये है दोस्तों महानगर गैस लिमिटेड। ठीक है, महानगर गैस लिमिटेड का जो अभी करेंट प्राइस चल रहा है 1100 के आसपास चल रहा है, ये भी आने वाले दिनों में आपको और अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं आज के डेट में ही देखिए इसने 8% के आसपास यहाँ पर आपको रिटर्न दिखा रहा है। और क्या चाहिए, कोई अगर स्टॉक हमें 2 या 5% भी रिटर्न दे देता है एक दिन के अंदर तो दोस्तों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो नहीं होना चाहिए उससे भी अच्छा है। क्योंकि बैंक हमें एक साल के अंदर जो है 5% का रिटर्न देता है, अगर ये कोई स्टॉक हमें जो है एक दिन के अंदर में अगर मान लीजिए कि 5% रिटर्न दे दे रहा तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक का एक ही चीज जो है मुझे नेगेटिव लगता है, वो है दोस्तों प्रमोटर्स का होल्डिंग। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो प्रमोटर का होल्डिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर प्रमोटर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना शेयर को प्लेज रख सकते हैं, लेकिन अपना होल्डिंग को डिक्रीज कर देना इसका मतलब थोड़ा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा होता है। लेकिन प्रमोटर कभी कभी खुल के नहीं बोल पाते हैं, तो ये जो है एक नेगेटिव है इस स्टॉक में, नेगेटिविटी ये जो है शो कर रहा है। ठीक है, 10% के आसपास, 10% बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पर देख सकते हैं 4.2% जो है इंक्रीज़ किया है। ये एक पॉजिटिविटी है और ये एक नेगेटिविटी है, तो ये दोनों को हमें लेके चलना पड़ेगा। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है ये कंपनी का, वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 2016 से स्टार्ट करते हैं। 2016 में कितना था, 0.31 था, 0.31 था, 0.31 था। ठीक है, 2019 में कितना हो गया, 0.54। अच्छा ग्रोथ किया दोस्तों, तो कुछ भी है लेकिन अच्छा ग्रोथ किया। ठीक है, ये प्रॉफिट था। अब रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों, रेवेन्यू में भी देखिए 2.28 था। ठीक है, 2.28 था और आज के डेट में 3 पॉइंट पे चल रहा, मतलब कि ये भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और अगर गैस के मामले में देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गेल नहीं एक जो ऐसा स्टॉक है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया था, बहुत भारी गिरावट आया था, लेकिन अब वो भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं 64% का आपको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों सपोज करो, सपोज या खुद से पूछो, ये क्वेश्चन मैं एक पूछता हूँ, एक क्वेश्चन वो आपको खुद से पूछना, क्या आपको कभी 64% का रिटर्न मिला है? चाहे सपोज मान लीजिए आपने 6 मंथ वेट किया हो या 1 ईयर वेट किया हो, क्या आपको 64% का रिटर्न मिला है? नहीं मिला, तो सोचिए, अगर नहीं मिला है तो कुछ लोगों को हो सकता है मिला है, सपोज जिनको नहीं मिला है मैं उनको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्म करना चाहता हूँ उनको। ठीक है, तो सोचिए कितना अच्छा फील होगा आपको अगर आपने 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये आपने पोर्टफोलियो में लगाया किसी स्टॉक में और 1 साल बाद आपको 64,000 एक्स्ट्रा मिल रहा 1 लाख रुपए में, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाएगा दोस्तों, वहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देख लीजिए अडानी में भी 77%, तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, गुजरात गैस में भी यहाँ पर देख लीजिए 86%, मतलब कि जस्ट पैसा डबल ही होने वाला है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गुजरात स्टेट में भी यहाँ 40% का, तो देखिए ये जितने भी सेक्टर हैं इसमें अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है, इसीलिए आने वाले दिनों में भी आपको अच्छा परफॉर्म यहाँ करने को देखा जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वीडियो के एंड में, कि दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं वो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट का है, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट का। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। अब तो आप पूछोगे कि प्रूफ दिखाओ, कि मुझे जब तक प्रूफ नहीं देखूंगा तब मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ। हाँ, ये भी आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने साफ साफ थंबनेल में लिखा है कि गेल को अब मत करना सेल, क्योंकि अपना टाइम आ गया। ठीक है, थंबनेल में आपको सही से नहीं दिख पा रहा लेकिन मैं आपको टाइटल में दिखा देता हूँ। ठीक है, गेल अब मत करना सेल क्योंकि अपना टाइम आ गया करके। ठीक है, मैंने ये वीडियो कब बनाया था आपको डेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिसंबर को मैंने ये वीडियो बनाया था, 12 दिसंबर को, और यहाँ पर तो आपने देख लिया 12 दिसंबर को, और मैंने साफ साफ टाइटल में, थंबनेल में हर जगह लिख दिया कि गेल को अब मत करना सेल। मतलब क्या सेल मत करना, मतलब जिन्होंने खरीदा है एग्जिट मत होइएगा। और वीडियो में भी मैंने साफ साफ बताया कि जिन्होंने खरीदा है 130 के भाव पे खरीदा हो या 140 के भाव में खरीदा हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और आज के डेट में देखते हैं दोस्तों, मैंने जब वीडियो अपलोड करके बताया था एक दिन पहले, और आज के डेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, चेक तो करना बनता है एक बार। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मैं बोलूँगा, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ा प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा उसके लिए, सॉरी। यहाँ पर अभी जो है 111 रुपीज तक चला गया था, अराउंड 110 तक चला गया था, उसके बाद जो है बाउंस बैक आना शुरू हुआ है। तो अभी जिन्होंने भी खरीदारी किया है आसपास 200, या मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 130-45 के लेवल तक भी खरीदारी किया है, 1 मिनट दोस्तों, मैंने क्या बोला, 130 या 140 या 45, तो 130 तो आ गया,
40-45 भी आएगा, हालांकि टाइम लगेगा लेकिन आएगा, ठीक है। मैंने आपको दिखाया अभी जो इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चला था वो कितना चला था दोस्तों, गेल का 132 रुपीज़ चला था, ठीक है, 130 रुपीज़, ठीक। एक बार और मैं थोड़ा सा वीडियो को पहले कर देता हूँ, मैंने क्या बोला कि 130, 40 या 45 जरूर आएगा। के प्राइस पे, तो मैं बोलूंगा दोस्तों अभी ये जो टाइम है आपको होल्ड रखना है, पेशेंस रखना थोड़ा सा और है। कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 130-45 के लेवल तक भी खरीदारी किए हैं 30-40 के प्राइस पे, तो मैं बोलूंगा दोस्तों अभी ये जो टाइम है आपको होल्ड रखना है, पेशेंस रखना है। आपको दोस्तों जरूर यहां पर प्रॉफिट होगा, लेकिन इतना याद रखना है दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है अपना पैसा जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर दिया है। अब देखिए प्राइस में जो है बाउंस बैक आएगा, आप थोड़ा वेट कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ तक साफ साफ बोला कि आपको ज़रूर यहाँ प्रॉफिट मिलेगा और इसके प्राइस में भी बाउंस बैक आएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको वीडियो का डेट दिखा देता हूँ दोस्तों, 12 दिसंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और जब मैंने वीडियो अपलोड किया था थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको देख सकते हैं गेल है यहाँ पर, देख सकते हैं गेल, नहीं तो आप मेरे वीडियो भी जाके देख सकते हैं दोस्तों, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में जाके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब मैंने वीडियो अपलोड किया था और आप लोग को साफ साफ मैंने वीडियो में बोला कि आपको होल्ड करना है, खरीदना है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तब उसका करेंट प्राइस चला था 118 रुपीज, और आज के डेट में क्या चल रहा है, 100, यहाँ देख सकते हैं 31.65, और इसका हाईएस्ट कितना है, 32 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने जो मेरा पहला लेवल था 100, मैंने क्या बोला था, जो लोग भी जिन्होंने भी 130, 40 या 45 के प्राइस में खरीदे हैं उनको अपना मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया, दूसरा तीसरा में भी टाइम लगेगा लेकिन अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसी तरह आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं दोस्तों, सारे वीडियोस देखिए आपके सामने अवेलेबल है। डेट देख लो, थंबनेल देख लो, जो प्रीवियस प्राइस था वो देख लो, अभी का करेंट प्राइस है वो देख लो, सब कुछ देख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन इसको नोट करने से पहले मैं आपको कुछ नोट लिखवा देता हूँ दोस्तों। जो भी सैंपल ट्रायल या डेमो है यूट्यूब के वीडियो में ही बताया जाता है, चाहे तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाके आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो। सपोज़ मान लो अगर आपको बिलीव नहीं है तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे पर्सनली आपको हमारे यहाँ से नहीं दिया जाएगा डेमो सैंपल ट्रायल, जो भी आप बोल लो। अगर उसके बाद आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है तो ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर ये जो है परमानेंट व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद यह है कॉन्टैक्ट नंबर नीचे वाला, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।